नमस्कार, वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। स्वागत है आपका दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में, जो कि बीएससी एजी सिक्स सेमेस्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर रहने वाला है। बहुत चुनिंदा और सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रह सकते हैं, इसलिए वीडियो आप पूरा वॉच करना है। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे। सो गाइस, पहला क्वेश्चंस क्या है? लार्जेस्ट साइज ऑफ द हनी बी, यानी जो मधुमक्खी की सबसे बड़ी आकार की प्रजाति है वो कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है, एपिस फ्लोरिया, एपिस डॉर्सेटा, एपिस सेरेना इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा। बता दें आप सभी को, जो एपिस फ्लोरिया है ये क्या है? ये सबसे छोटी मधुमक्खी है। अगर आपसे बात करें कि एपिस फ्लोरिया सबसे छोटी मधुमक्खी है, आपको याद रखना है। इसके बाद जो एपिस डॉर्सेटा, ये सबसे बड़ी मधुमक्खी, यही हमसे पूछा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय मधुमक्खी कौन सी है, अगर आपसे पूछे कि भारतीय मधुमक्खी कौन सी, तो आपको बताना एपिस सेरेना इंडिका, क्योंकि इंडिका का मतलब इंडिया से है। अच्छा, लेकिन बात बता दें आपको कि जो हनी यानी मधु उत्पादन के लिए, जो शहद उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया जो है मधुमक्खी की प्रजाति है वो कौन सी है? एपिस मेलिफेरा है। इसको जो है यूरोपियन मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूरोपियन मधुमक्खी, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है यूरोप है, मतलब इटली वगैरह है, ठीक है ना? यूरोप मतलब इटली वगैरह है, तो इसको यूरोपियन या फिर इटालियन मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं। एपिस मेलिफेरा शहद उत्पादन की दृष्टि से सबसे बढ़िया प्रजाति है मधुमक्खी की। और जो एपिस डॉर्सेटा है, इसको रॉक बी के नाम से जानते हैं। रॉक बी के नाम से किसको जानते हैं? एपिस डॉर्सेटा को। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति भारतीय नहीं है, यानी मधुमक्खी की जो प्रजाति कौन सी भारतीय नहीं है? तो एपिस फ्लोरिया इंडिया की है, एपिस सेरेना इंडिया की है, एपिस डॉर्सेटा भी इंडिया की, लेकिन जो एपिस मेलिफेरा है ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यूरोपियन मधुमक्खी है, मधुमक्खी की यूरोपियन प्रजाति है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके सामने दिए गए हैं। जैसे जो एपिस मेलिफेरा है, मधुमक्खी की जो एपिस मेलिफेरा प्रजाति है, इसका मूल स्थान क्या है? इटली। मैंने बताया था यूरोपियन ये मधुमक्खी है और इसका जो मूल स्थान है इटली है। सन 1962 में इसको भारत में लाया गया है ना। यह मक्खी क्या है, जो एपिस मेलिफेरा है, इसकी एक विशेषता होती है, स्थान कम परिवर्तन करती है। क्या? स्थान जल्दी चेंज नहीं करती है, जिससे इससे शहद व्यवसाय हेतु प्रयोग किया जाता है। एपिस फ्लोरिया अत्यंत मीठी शहद बनाती है। अगर हमसे बात करें, शहद तो बनेगा कम, एपिस फ्लोरिया छोटे आकार की मधुमक्खी है, इससे शहद क्या बनेगा? बहुत कम हनी का प्रोडक्शन होगा, लेकिन शहद मीठा बहुत होता है। एपिस डॉर्सेटा भारतीय मधुमक्खियों में सबसे ज़्यादा शहद बनाती है। अब जैसे एपिस फ्लोरिया हो गई, एपिस सेरेना इंडिका हो गई है ना, एपिस डॉर्सेटा, तो इसमें जो डॉर्सेटा है ये भारतीय मधुमक्खियों में सबसे ज़्यादा शहद का प्रोडक्शन करती है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करी जाए तो एपिस मेलिफेरा का शहद के उत्पादन में पहला स्थान है। भारत में किसका पहला स्थान है? तो एपिस डॉर्सेटा का। जितने हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उनको बढ़िया से आप याद कर लेना, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको मदद मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशम के उत्पादन में उच्चतम प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध है? कौन से राज्य में रेशम का उत्पादन हाईएस्ट होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं आपके लिए। रेशम का जो उत्पादन है उसे क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। यानी जो रेशम का उत्पादन उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, तो रेशम कीट के कोकून से। ये इम्पोर्टेंट है कि रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको बताना है रेशम कीट के कोकून से। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। अच्छा, ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो 1943 में इसकी स्थापना की गई थी,
बरहामपुर पश्चिम बंगाल। कहाँ पे की गई थी? बरहामपुर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगला प्रश्न है कि एपिकल्चर किसको बोलते हैं? तो एपिकल्चर गाइज बोलते हैं मधुमक्खी पालन को, जो मधुमक्खी पालन है उसको बोलते हैं एपिकल्चर। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए, एपिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? अभी बताया मैंने मधुमक्खी पालन का, तो फिर सर रेशम कीट का पालन का अध्ययन किस में करते हैं? सेरिकल्चर में। इसी प्रकार हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का अध्ययन है, फल विज्ञान पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर सब्जी, और पिसिकल्चर मछली। ये पॉइंट भी आपको जानने चाहिए, बेसिक पॉइंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एपिकल्चर इज द साइंस ऑफ, यानी जो एपिकल्चर है ये किस साइंस है, किसका विज्ञान है? तो आपको बताना बी कीपिंग। किसका भैया? एपिकल्चर में बी कीपिंग तो किया जाता है, यानी मधुमक्खी का पालना ही कहलाता है बी कीपिंग, और इस साइंस को बोलते हैं एपिकल्चर। एपिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है, ये पॉइंट आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ बीज स्टिंग एज फाउंड, किस प्रकार की मधुमक्खियों में डंक नहीं पाए जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार की मधुमक्खियों में डंक नहीं पाए जाते हैं? तो जो वर्कर बीज होती हैं, जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, उसमें जो है स्टिंग नहीं पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट, द वर्कर बी इज, जो वर्कर बी है, जो श्रमिक मधुमक्खी है, ये क्या है? ड्रोन है, स्टराइल मेल है, स्टराइल फीमेल है, नॉन ऑफ दीज। तो ये क्या होती है? स्टराइल फीमेल होती हैं, जो वर्कर बी होती हैं स्टराइल फीमेल होती हैं, और एक जो छत्ता होता है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की होती है, वर्कर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे डिटेल दी गई इसी क्वेश्चन की, कि श्रमिक मधुमक्खी क्या होती हैं? तो नपुंसक मादा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेराइल फीमेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेराइल फीमेल बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेराइल फीमेल। अच्छा, छत्ते में श्रमिक मधुमक्खी की संख्या सर्वाधिक होती, मैंने अभी आपको बताया। वास्तव में इनका निर्माण कैसे होता है? निषेचित अंडों से। इंपॉर्टेंट है कि जो श्रमिक मधुमक्खी हैं इनका निर्माण कैसे होता है, तो आपको बताना है फर्टिलाइज्ड एग से, निषेचित अंडे से इनका निर्माण होता है। तो देखो, जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं इनका निर्माण कहाँ से होता है? फर्टिलाइज्ड एग से होता है। किससे? निषेचित अंडों से होता है। और क्या होती है? ये स्टराइल फीमेल होती हैं, फीमेल मधुमक्खियां होती हैं, जो कि बांझ होती हैं। कारण क्या है कि इनको रॉयल जेली बहुत कम खाने को मिलती है, जिससे ये स्टराइल यानी बांझ रह जाती हैं, और संतानोत्पत्ति के योग भी नहीं रहते हैं। ये पॉइंट आपको आने चाहिए। एक बार पुनः सुन लीजिएगा कि जैसे श्रमिक मधुमक्खी है, जो श्रमिक मधुमक्खी है छत्ते में, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये क्या होती हैं? स्ट्राइल फीमेल होती हैं, बांझ मादाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है रॉयल जेली बहुत कम खाने को मिलती, इसलिए बांझ रह जाती हैं। क्लियर है? और इनका जो विकास, जो निर्माण है, वो फर्टिलाइज्ड एग से होता है, मतलब निषेचित अंडों से होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन विच सिटी, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय कीटनाशी जो प्रयोगशाला, वो किस शहर में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन विच सिटी। आंसर विल बी बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न का जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद। फरीदाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मधुमक्खी में किस प्रकार की एंटनी देखने को मिलती है? जो हनी बी है इसमें किस प्रकार का एंटीना फाउंड होता है, यानी किस प्रकार का एंटीना देखने को मिलता है? तो जेनिकोलेट, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, पॉलन बास्केट इज फाउंड इन द हाइंड लेग्स ऑफ, पहली बात आपको जानना ये है, जो पॉलन बास्केट है, जो पराग की थैली है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो हाइंड लेग का मतलब पिछली टांगों पर, किसकी? मधुमक्खी की पिछली टांगों पर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, इसका कुछ फैक्ट्स है जिसको हमें जानना चाहिए। जो श्रमिक मधुमक्खी का पिछला पैर होता है, जो हाइंड लेग्स होता है, हाइंड लेग्स यानी पिछला पैर होता है, रूपांतरित होकर पराग एकत्रित करने में सहायक होता है। इस प्रकार के पैरों को क्या बोलते हैं? फेरोजियल या फिर पॉलन कलेक्टिंग टाइप। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है
कि पोलन कलेक्टिंग टाइप या फिर फेरोजियल टाइप की जो लेग्स हैं वो किस में पाई जाती है, तो आपको बताना मधुमक्खी में। पैर के टिबिया भाग पर फराग थैली पाई जाती है, इम्पॉर्टेंट है जो पैर का टिबिया भाग है, कौन सा भाग, टिबिया भाग पर ही पोलन बॉस्केट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजी फ्लाई परजीवी है, यूजी फ्लाई किसका परजीवी है, तो ये होता है रेशम कीड़ा का, ऑप्शन ए करेक्ट है, यूजी फ्लाई किसका परजीवी है, तो रेशम कीड़ा का। नेक्स्ट, डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ होस्ट प्लांट ऑन द बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट, कीट के जीव विज्ञान पर पोषक पौधे के हानिकारक प्रभाव को किस रूप में जानते हैं, इसको जानते हैं एंटीबायोसिस, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टसर रेशम की विशेषता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टसर सिल्क, आल्सो नोन एज कोसा सिल्क, ऑप्टेंड फ्रॉम बॉम्बेक्स मोराई, ए नेटिव ऑफ इंडिया एंड चाइना, लार्वी ऑफ द सिल्क फीड ऑन ओक। तो जो टसर रेशम है ये भैया बी यानी बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त नहीं किया जाता है, समझ पाए कि नहीं, बॉम्बिक्स मोराई से ये प्राप्त नहीं किया जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे देख भी सकते हो आप, बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त निम्नलिखित टसर रेशम की विशेषता नहीं है, ये तो मैंने बताया आपको कि जो टसर रेशम है ये बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त नहीं होता, टसर रेशम, रेशम मौत, एंथेरिया माइलिटा कि लार्वा को रेशम कीट खिलाती है, यानी जो टसर रेशम है, रेशम मौत है, ये एंथेरिया माइलिटा के जो लार्वा को क्या खिलाती है, रेशम खिलाती है, रेशम कीट खिलाती है। भारत और चीन इसका उत्पत्ति स्थान है ना, जो टसर है ये जो किससे प्राप्त होगा भाई, ये साल के पेड़ यानी ओक के पेड़ से प्राप्त होगा, ये पॉइंट आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेज आर देयर इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क बर्म, सिल्क बर्म अपना जो सिल्क बर्म जो इंसेक्ट है, जो रेशम कीट जो कीट है, उसको अपना जीवन कंप्लीट करने के लिए कुल कितने चरणों की आवश्यकता होती है, चार चरण, ऑप्शन बी करेक्ट है, अंडा लार्वा प्यूपा और एडल्ट, ये चार चरण में कंप्लीट कर लेता है अपनी लाइफ साइकिल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन टसर रेशम की विशेषता नहीं है, तो अभी हम इसको कर चुके हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है। आगे प्रश्न है कि व्हाट इज सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या है, तो रेशम कीट का पालना ही क्या कहलाता है, सेरीकल्चर, ऑप्शन बी करेक्ट है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको पढ़ना और समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं वीडियो में। मधुमक्खी किस रंग को नहीं देख सकती है, तो प्यारे बच्चों लाल रंग को, मधुमक्खी जो है लाल रंग को नहीं देख सकती है, क्योंकि क्या होता है कि मधुमक्खियां जो हैं अल्ट्रावायलेट किरणों और चिन्हों को परिवर्तित करती हैं, जिससे क्या होता है मनुष्य के लिए अदृश्य हैं, इसलिए लाल रंगों में जो है मधुमक्खी अंतर नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, विच वन इज बेनिफिशियल इंसेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभदायक कीट है, तो लेडी बर्ड बीटल ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है हेलिकोवर्फा, ऑप्शन बी ही राइट होगा, इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि हनी बी बिलोंग्स टू द ऑर्डर, हनी बी यानी जो मधुमक्खी है वो किस ऑर्डर को बिलोंग करती है, तो हनी बी जो है हाइमेनोपटेरा ऑर्डर को बिलोंग करती है, ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रेशम कीट की बात करी जाए तो लेपिडोप्टेरा गण में आती है, इसी प्रकार लार्क कीट हेमीपटेरा में आता है, कॉकरोच ग्रास हॉपर लोकस्ट ये आर्थ्रोपटेरा में आते हैं, किसमें आते हैं आर्थ्रोपटेरा में आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन द वर्ल्ड विच स्पीसीज ऑफ हनी बी इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉमर्शली रेयर्ड, आपसे पूछा गया है कि विश्व में मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति ज़्यादातर पाई जाती है और व्यावसायिक पालन किया जाता, तो मैंने आपको बताया था कि विश्व में सर्वाधिक हनी का प्रोडक्शन जो किया जाता है वो एपिस मेलिफेरा से किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न, द किलिंग ऑफ प्यूपा ऑफ सिल्क वर्म इन द कोकून्स इज कॉल्ड, कोकून में रेशम कीट के प्यूपा को मारने को क्या बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टिपलिंग बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे स्टिपलिंग,
साइंटिफिक नेम आप यूरोपियन हनी भी, तो इसका क्या है भैया, एपिस मेलिफेरा है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ एपिस मेलिफेरा, इसका उत्पत्ति स्थान इटली है, इसको यूरोपियन मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले आप लोग डिटेल देख लीजिएगा, यूरोपियन मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, एपिस मेलिफेरा है। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस सेरेना इंडिका, इन पॉइंट को भी आप जानिए। अगला प्रश्न है कि रॉयल जेली इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो रॉयल जेली है किसका प्रोडक्ट है, तो हनी का प्रोडक्ट, हनी बी का प्रोडक्ट होता है, यानी मधुमक्खी का। रॉयल जेली उत्पाद मधुमक्खी का है, मधुमक्खी से कुछ अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं जैसे पराग है, शहद है, मोम है, ये किससे प्राप्त होते हैं, मधुमक्खी से। अगला प्रश्न है कि सिल्क इज द सेक्रेशन ऑफ, जो रेशम है ये किसका श्रावण होता है, तो सैलेबरी ग्रैंड का होता है, लार ग्रंथियों का, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बैक्स लेयर इज प्रेजेंट इन, जो बैक्स लेयर है ये किसमें पाई जाती है, किसमें मौजूद होती है, तो ये देखने को मिलती है एपिक्यूटिकल में। ये किसमें देखने को मिलती है, बैक्स लेयर किसमें देखने को मिलती है, एपिक्यूटिकल में देखने को मिलती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न डिटेल भी आपको यहाँ पे समझनी है एक बार बढ़िया से, जैसे क्या बताया गया, जो बैक्स लेयर है, जो मोम परत है, वो तो प्राप्त होती है एपिक्यूटिकल से, है ना। बाकी म्यूजोकोटिकल क्या होती है, म्यूजोकोटिकल कुछ आर्थोपोड में एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल के बीच के ऊतक की एक परत होती है। यानी देखो जो मोम परत है वो तो पाई जाती है एपिक्यूटिकल में, लेकिन जो म्यूजोक्यूटिकल है ये आर्थोपोड्स में क्या होता है, जो आर्थोपोडा गढ़ के कीट होते हैं उनमें एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल के बीच एक परत का काम करती है, उनके बीच पाई जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, द ऑर्डर इज मेंटली द मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड ऑफ ऑल इंसेक्ट, कहने का मतलब किस गढ़ में सभी कीड़ों में मानसिक रूप से सर्वाधिक विकसित हैं, मतलब किन कीड़ों में दिमाग ज्यादा है, किन कीड़ों में सोचने और समझने की क्षमता ज्यादा है, किस गढ़ के कीड़ों में, तो हाइमोपटेरा। क्यों, हाइमोपटेरा में कौन कौन आते हैं, जैसे चींटी आ जाएगी, है ना, वाष्प आ जाएगा, मधुमक्खी, बहुत इनके पास में दिमाग होता है, तो ये मानसिक रूप से सर्वाधिक विकसित ऑर्डर है हाइमोपटेरा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, हाइमोपटेरा कीड़ों के सबसे बड़े ऑर्डर में एक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, मधुमक्खी आएंगी, वाष्प आएंगी, चींटियां आती हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम तो हम सभी लोग जानते हैं, बॉम्बिक्स मोराई, बाकी आपको ये वैज्ञानिक नाम की टेबल दी गई इसको याद कर लीजिएगा। हनीबी का जैसे एपिस मेलिफेरा है, भारतीय हनीबी का एपिस सेरेना इंडिका है, लाक का कैरिया लक्का है, या लेसीपेरा लक्का भी इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अमरीटोडस एटकिंसोनी इज ए मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ बीच फ्रूट क्रॉप, यानी जो अमरीटोडस एटकिंसोनी ये क्या किसी कीट का वैज्ञानिक नाम, वो कीट कौन सा है, तो वो कीट है सर मैंगो हॉपर, यानी मैंगो हॉपर का वैज्ञानिक नाम क्या है, अमरीटोडस एटकिंसोनी। अभी किस क्रॉप को हानि पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है भैया किस में, आम में, मैंगो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैटरपिलर, आप जो सिल्क है वो किससे प्राप्त होता है, तो सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैटरपिलर ऑफ, तो बॉम्बिसिडी एंड सैटर्निडी, यानी किस कुल का, कहने का मतलब ये है जो सिल्क प्राप्त होता है वो किस कुल के कीड़ों से प्राप्त होता है, तो बॉम्बिसिडी में क्या आता है अपना, बॉम्बिसिडी में तो आता है रेशम कीट, है ना, बॉम्बिसिडी में रेशम कीट वगैरह आते हैं, तो यही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेरोमोन ट्रैप्स अट्रैक्ट्स, जो फेरोमोन ट्रैप हैं ये किसको आकर्षित करते हैं, तो ये आकर्षित करते हैं नर मौत को, सेक्रेट किसके द्वारा किए जाएंगे, फीमेल मौत के द्वारा, किसको आकर्षित करने के लिए, नर को आकर्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी गया है, डिटेल आपके सामने बहुत अच्छी दी गई है कि फेरोमोन एक प्रकार के क्या हैं, एक्टोहार्मोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फेरोमोन हैं एक प्रकार के क्या हैं, एक्टोहार्मोन हैं, और मादा कीट नर कीट को आकर्षित करने के लिए इसको निकालती है, याद रखना चाहिए आपको। अमेरिकन वैज्ञानिक का नाम क्या है भैया, एफ निपलिंग एवं एम बिरोजा ने 1970 में मादा कीटों से फेरोमोन्स को निकालकर नर कीटों को आकर्षित करने में प्रयोग किया, यानी जो फेरोमोन्स है इसकी डिस्कवरी किसने करी, तो एफ निपलिंग एम बिरोजा, एफ निपलिंग एम बिरोजा ने करा था, उन्होंने क्या किया, मादा कीट से फेरोमोन्स को निकाल करके नर को आकर्षित करने में प्रयोग किया।
फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग अब नर कीटों को आकर्षित करने में लाया जा रहा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आपको जानना है। अगला प्रश्न, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डॉग ट्राइकोग्रामा ले इट्स एग, यानी जो ट्राइकोगामा है अंडे किसमें देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्राइकोगामा अंडे कहाँ पे देता। ऑन द लीव्स, ऑन द इंसेक्ट लार्वा, इन द इंसेक्ट प्यूपा, इन द ईग ऑफ इंसेक्ट। तो अंडे कीट के अंडों में, जहाँ पे कीट अंडे देते हैं, ट्राइकोगामा जो अंड परजीवी होते हैं, ये अंडे कहाँ पे देते हैं भैया? तो ये जहाँ पे कीट अंडा देगा वहीं पर अंडे ये देते हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज सेक्रेट हनी ड्यू, निम्नलिखित में से कौन सा हनी ड्यू का सेक्रेशन यानी मद स्राव नहीं करता है? तो भाई कौन नहीं करेगा, यहाँ पे ग्रॉस हॉपर नहीं करेगा, बाकी मस्टर्ड एफिड भी करेगा, चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, मैंगो हॉपर भी छोड़ेगा और प्लांट हॉपर भी छोड़ेगा, लेकिन कौन नहीं छोड़ेगा? तो ग्रॉस हॉपर नहीं छोड़ेगा। अगला प्रश्न, पार्थेनियम फीडर है तो ये किसको कंट्रोल करता है? जाइगोग्रामा, देखो बायोकोलोराटा। कहने का मतलब ये है, पार्थेनियम क्या है? पार्थेनियम एक खरपतवार है, इसको कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक नाम होता पार्थेनियम हेस्टोफोरस। अब इस खरपतवार को जैविक नियंत्रण करने के लिए, इस खरपतवार का जैविक विधि द्वारा नियंत्रण करने के लिए किस कीट का यूज करते हैं? जाइगोग्रामा बायोकोलोराटा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कुछ और भी डिटेल टेबल में आपको दी गई है ना, खरपतवारों के नाम और उनके अंगेस्ट जो कीट इफेक्टिव हैं उनके नाम। तो अभी मैंने बताया पार्थेनियम या कांग्रेस घास के प्रति कौन सा कीट इफेक्टिव है, तो जाइगोग्रामा बायोकोलोराटा। इसी प्रकार नागभनी के लिए कौन सा? कैक्टोब्लास्टस कैक्टोरम। नागभनी जो खरपतवार है उसके अंगेस्ट में कौन सा कीट काम करता है? तो कैक्टोब्लास्टस कैक्टोरम। मोथा के लिए एल साइपरी या फिर वैक्नोबिबिल, और लेंटाना के लिए तो लेंटाना कैमरा या क्रासोडेसमा लेंटाना या डेक्टाइलिलोपियस टेमोन्टेस्टस। ये सारे टेबल को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न, फीमेल मैंगो हॉपर्स अपने अंडे कहाँ पर देती है? तो ये देती है पत्ती की निचली सतह पर। जो फीमेल मैंगो हॉपर है ये अपने अंडे कहाँ पर देगी? पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती है, ठीक है ना, बिल्कुल। और जो मैंगो हॉपर्स हैं ये किस गढ़ को बिलोंग करते हैं? हेमिपटेरा गढ़ में आते हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? एमरिटोडस एटकिंसोनी इसका वैज्ञानिक नाम है ना। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। डिटेल में क्या, एक कीट आम के पेड़ पर फरवरी के महीने में दिखाई देते हैं, उसी समय मादा कीट मैथुन के 3 दिन पश्चात कोमल टहनियों तथा पत्तियों की निचली सतह पर बाह्य त्वचा में अंड रूपक दशाकर अंडे रखती हैं। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 200 अंडे देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये थी पूरी क्लास, आई होप आपको वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभकारी रहेगी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिए दोस्तों में। थैंक यू।